हेलो डियर स्टूडेंट्स आई एम कीर्ति शर्मा फ्रॉम द मॉडर्न पाठशाला देखा है एंड आप बहुत क्लियर हो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर्स सो टूडे वी विल बी डीलिंग विद द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर जो मेरे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं दैट इज द डेडली ट्राइंगल्स राइट तो हार्ड नहीं है राइट right? ट्राइंगल्स में बस एक्चुअली जो क्वेश्चन आते हैं ना वो प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं तो बच्चों को लगता है कि प्रूफ रिलेटेड ओके ऐसा कुछ नहीं है तो ये मिसकनसेप्शन आप अपने माइंड से एकदम इरेज कर दो लेट स्टार्ट अ फ्रेश स्टार्टिंग विदरी बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड आई टीच यू ओनली दो आपके बोर्ड्स के परस्पेक्टिव से नेसेसरी है so stay along the video watch it till the end because this is going to be very 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 important video for your board exams so let's start तो triangles mein bachcho hame do topic bahut acche se pata hona chahiye the first is congruency and the second is similarity तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं congruency का मतलब क्या होता है and similarity का मतलब क्या होता है so let's understand it with the help of a simple example तो यहां पर ना मैं दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करती हूं तो सबसे पहले दिस इज वन ऑफ द ट्राइंगल एंड अब मैं क्या करूंगी इस ट्राइंगल को जस्ट कॉपी कर लेती हूं एंड इसे कर लेती हूं पेस्ट अब देखो बच्चों अगर ये वाला जो ट्राइंगल मैंने अभी बनाया इसे अगर मैं इसके ऊपर ले जाकर ऐसे पेस्ट कर दू तो आप क्या देख पा रहे हो ये ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है Overlap ये कब करेगा when इसके जो सारे 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 हैं दो के, अगर हो हो, और when सारे angles equal हो, right? तभी तो वो perfectly fit बैठेगा. तो congruent figures वो वो बैठेगा। होते हैं जिनके सारे साइड्स एंड सारे एंगल्स आर इक्वल ओके नाउ इफ वी टॉक अबाउट सिमिलर फिगर्स तो इसके लिए भी मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ एंड अब क्या करते हैं ये ट्रायंगल को कॉपी करते हैं और इसे कर देते हैं पेस्ट नाउसी अब मैं क्या मैंने क्या किया इसका साइड को साइज को थोड़ा सा छोटा कर दिया अब अगर मैं इसे ले जाकर इस पे प्लेस करूं तो यू कैन सी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग क्या कि ये ट्रैंगल इसपे फिट हो रहा है बट नॉट कंप्लीटली फिट हो रहा है इट्स लाइक like ये इस ट्राइंगल का छोटा भाई है राइट right? तो बेसिकली यहां पर ये जो साइड्स है ना ये इक्वल तो नहीं है बट दे आर प्रपोर्शनल एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस इज दैट एंगल्स डेफिनेटली इक्वल होंगे तो सिमिलर फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिनका साइड्स प्रपोर्शनल हो मतलब वो एक सर्टन रेशियो में हो अगर इस साइड की वैल्यू टू है तो ये बड़े वाले साइड की वैल्यू फोर हो सकती है राइट right? तो टू टू जर फोर तो वैसे ही अगर ये थ्री हुआ तो ये सिक्स हो जाएगा मतलब हमेशा इक्वल प्रपोर्शन में रहेंगे राइट right? तो सिमिलर फिगर्स में साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं कॉन्ग्रेट फिगर्स में साइड इक्वल होते हैं एंड एंगल्स ओवरऑल दोनों में सेम होते हैं राइट right? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों ये याद रखना और कॉन्ग्रेट फिगर्स आर सिमिलर सोचो सारे कॉन्ग्रेट फिगर्स तो सिमिलर ही होंगे ना अगर किसी का साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली वो प्रोपोर्शनल भी है प्रोपोर्शन क्या रहेगा रेशियो क्या रहेगा वन इज टू वन राइट अगर हम बोलते हैं ए इक्वल्स टू बी तो हम लोग बोल सकते हैं ना ए बाई बी इक्वल्स टू वन बाई वन तो एस टू बी का रेशियो क्या आ जाता है one is to one. तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है वो सिमिलर तो होंगे बट सारे सिमिलर फिगर्स क्या कॉन्ग्रुएंट होते हैं नहीं राइट सो बी वेरी केयरफुल ये वाला स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है ट्रू एंड फॉल्स के केस में या सरसन रीजन के केस में ओके सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट सो सिमिलर फिगर्स एंड कॉन्ग्रेंट फिगर्स आई होप इट इज क्लियर कॉन्ग्रेंट मतलब एग्जैक्टली इक्वल सिमिलर मतलब एक जैसा बट साइड इक्वल नहीं होंगे विल बी अब हमें इस क्लास में क्लास टेंथ में सिमिलैरिटी पे थोड़ा सा चर्चा करना है तो सिमिलैरिटी के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है एंगल एंगल और एंगल 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 क्राइटेरिया तो इस क्राइटेरिया का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स है Let suppose this is my first triangle and let suppose this is my उप ये तो सर्कल बन गया triangle okay तो इस triangle का नाम अगर पी क्यू आर है इस ट्राइंगल का नाम अगर ए बी सी है तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे ये तभी सिमिलर होंगे if angle Q equals to angle B कोई जरूरी नहीं है मतलब एंगल क्यू ए के भी इक्वल हो सकता है दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम बट the two angles over here should be equal. तो देखो यहां पर एंगल Q, एंगल बी के इक्वल है एंगल P, एंगल ए के इक्वल है एंगल R और एंगल C भी इक्वल होगा अगर ये दो एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल नीड्स टू बी इक्वल तो बेसिकली अगर कोई दो एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल वी कैन से दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर ओके नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मान लो ऐसा कुछ नहीं होता क्या रहता क्वेश्चन में कि एंगल क्यू इक्वल है एंगल ए के एंगल पी इक्वल है एंगल बी के एंड एंगल आर इक्वल है एंगल सी के तब हम लोग जो जो सिमिलैरिटी के लिए जो का नाम लिखेंगे ना दैट विल एक्चुअली डिपेंड ऑन द एंगल्स विच आर इक्वल तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है क्यू पी आर सो वी विल राइट ट्राइंगल क्यू पी आर सिमिलर टू ट्राइंगल इस तरफ क्या आ रहा है ए बी सी सो दिस विल बिकम ए बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं सीधा पी क्यू आर लिख देंगे नो सी पी इज नॉट इक्वल टू वे P is equal to बी तो यहाँ ये लेटर्स कोरस्पॉन्ड करने चाहिए ये लेटर्स मैच करने चाहिए Q should be equal to A as it is given in the question ओके तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी इज द फर्स्ट क्राइटेरिया टू प्रूव दैट ट्रू टू ट्राइंगल आर सिमिलर अब आ जाते हैं वेरी इजी वाले चीज पे दैट इज साइड 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 क्राइटेरिया तो लेट्स डू वन थिंग लेट्स टेक द सेम ट्राइंगल्स सो हियर अगेन अब साइड 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 क्राइटेरिया क्या हुआ सेग्रुएंसी में बच्चों हमने पढ़ा था कि साइड सारे इक्वल होने चाहिए तो अगर सारा साइड इक्वल होता तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बट यहां पर क्या होता है कि साइड प्रपोर्शनल होने से हमारा काम हो जाता है राइट तो हम क्या लिख सकते हैं अब देखो यहाँ पर हम यही वाले कॉन्सेप्ट को लेकर चलते q और a इक्वल था तो अगर qa के इक्वल है तो q के ऑपोजिट कौन सा साइड है pr एंड a के ऑपोजिट कौन सा साइड है bc सो व्हाट वी कैन राइट इफ pr bc इक्वल्स टू अब देखो नेक्स्ट क्या था p एंड b अब p के ऑपोजिट कौन सा साइड है qr एंड b के ऑपोजिट कौन सा साइड है ac सो वी कैन राइट qr ac

ट्रगल अगर हम स्टार्ट कर रहे पी आर से तो हमें ऑर्डर अगेन आई एम टेलिंग यू तो, okay? so तो यहाँ पर देखो पी कोरस्पॉन्ड कर रहा है बी के साथ यहाँ पर भी वही चीज था यहाँ आर कोरस्पॉन्ड कर रहा है सी के साथ यहाँ पर भी वही चीज था क्यू कोरोस्पॉन्ड कर रहा है ए के साथ यहाँ पर भी वही चीज था अगर आप साइड्स को भी देखोगे तो पी आर विध बी सी डन क्यू आर और आर डन सो ऑर्डर बच्चों बहुत है. क्राइटेरिया so मतलब अगर तीनों साइड प्रपोर्शनल है सो वी कैन से बी सिमिलर तो अभी तक हमने दो कंडीशन पढ़े फर्स्ट इज एंगल एंगल क्राइटेरिया अगर कोई दो एंगल्स इक्वल है And second is side 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 criteria. If two triangles have the sides in corresponding or equal ratios. Next we have SAS. Okay, that side angle side. तो so, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी हम same figure use कर लेते हैं. इस criteria में बच्चों देखो हमें दो sides चाहिए. Again sides will be in ratio के okay? not equal. And एक बीच में angle चाहिए. मतलब अगर ये दो साइड रेशियो में है तो ये दो एंगल शुड बी इक्वल सो वी कैन राइट इफ लेट्स बाई यहां BC था हमारे पास देन PR आर बाई पी के साथ कौन सा साइड था हमारे पास ओ oh, सॉरी PR के साथ था BC। सी सो लेट्स जस्ट चेंज दिस विल बी सो आर बाई बी BC एंड QP के साथ था हमारा AB। बी क्यूपी एंड ए बी अब देखो पी आर एंड क्यू पी इसके बीच में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल पी एंड यहां पर हमारे पास क्या है बी सी एंड ए बी तो बी सी एंड ए बी के बीच में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल बी तो अगर ये दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं मतलब अगर दो कंजिक्यूटिव साइड्स का रेशियो इक्वल है एंड आपके उन दो साइड के बीच के एंगल इक्वल है देट वी कैन से दैट बाई एस एस क्राइटेरिया ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो दो साइड हमने कंसिडर किया उसके बीच का ही एंगल होना चाहिए जैसे हमने यहां पर पी आर एंड क्यू पी किया था तो पी होना चाहिए अगर यहां पर क्यू और बी इक्वल दिया रहता तब ये चीज फुलफिल नहीं होता ओके सो द थर्ड क्राइटेरिया दैट वी लर्न इज साइड एंगल साइड तो ये तीन क्राइटेरिया बच्चों अगर आपको याद रहेगा तो आप इजिली कोई भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हो क्योंकि हमेशा हमें क्वेश्चन में एनफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा जिससे हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल्स का या तो साइड रेशियोज में है या ट्रायंगल्स के एंगल इक्वल है ओके सो दीज थ्री क्राइटेरियाज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में विच इज वेरी इजी एंड इससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस बनता है एंड दिस टॉपिक इज बीपीटी और बेसिक प्रपोर्शनलिटी थियोरम और इसे हम प्यार से क्या बुलाते हैं थेल्स राइट तो let's understand it in very simple language. तो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज यहां पर हमारे पास है अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बड़ा सा ट्रैंगल है ए बी सी एंड एक छोटू सा ट्राइंगल है ए डी ई अब इन दो ट्रैंगल्स को अगर आप फिर और ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है कि ये ट्राइंगल्स तो एक्चुअली में सिमिलर है कैसे यहां देखो ये एंगल आपका इक्वल है यस yes. ये दो लाइंस गिवन है पैरल तो हम ये बोल सकते हैं ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल राइट एंगल्स यस आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है तो यहां पर हमारे पास ये दो एंगल्स इक्वल होगा और ये ऑब्वियसली एंगल ये तो एंगल ये इक्वल रहेगा एंड अगर आपको याद होगा तो हमने जो फिगर ड्रॉ किया था देखो ये फिगर इज लाइक दैट तो दिस फिगर इज वेरी वेरी ट्राइंगल्स आर वेरी वेरी सिमिलर तो यहां से so, तो थे क्या है? क्या है so, अगर ये क्वेश्चन में आपको दिया है तो, तो यहां पर इफ डीई पैरल टू बी सी देन वॉट कैन बी राइट सो वी है फर्स्ट कंडीशन इज ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए बाईसी वेरी सिंपल दिस साइड बाई दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड बाई दिस साइड वेरी इजी एंड नेक्स्ट वी कैन राइट इज सेकेंड कंडीशन ए डी बाई अब हम ये छोटा वाला पार्ट नहीं लेके ये पूरा साइड ले लेते हैं ए बी क्वल टू ए सी नेक्स्ट थर्ड कंडीशन लिखने का एक और वेड ले बीवल्स टू ई सी बाई ए सी तो ये तीन कंडीशन है जिसको यूज करके हम साइड वगैरह निकाल सकते हैं तो इस टाइप की बहुत सारी क्वेश्चन आती है जिसमें आपको इन थ्री रेशियोज uh, वाली जो कंडीशन है उसमें से किसी एक रेशियो वाली कंडीशन को यूज करके कुछ मिसिंग वैल्यूज को फाइंड करना रहता है तो जस्ट रिमेम्बर अगर आपको दो साइड है तो आप इजीली लिख सकते हो एडी बाई बी टू सी और ए डी बाई इक्वल्स टू ए बाई ए सी और बी डी बाई ए बी इक्वल्स टू ई सी बाई ए सी सो दिस इज द थेल्स थियोरम एंड इसके पीछे सब लोग बहुत सोचते हैं कि ट्राइंगल बहुत टफ है ऐसा कुछ नहीं है राइट सी इट्स सो सिंपल यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि कब कौन से थियोरम को लगाना है अगर दो ट्राइंग दो साइड पैरल गिवन है तो इजीली आप थे थियोरम लगाओ राइट right? अब एक और इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात है याद रखने वाली बात है कि अगर आपको गिवन है कोई ट्राइंगल्स जिसमें साइड का रेशियो आपको गिवन है राइट फॉर एग्जाम्पल अगेन हम अपना ये हीरो वाला ट्राइंगल ले लेते हैं अगर मान लो यहाँ पर आपको गिवन है पी क्यू बाई ए बी इक्वल्स टू पी आर बाई ए सी इक्वल्स टू क्यू आर बाई बी सी अभी मैं डायरेक्टली वाले ऑर्डर में ही ले ले रही हूं अब यहां पर अगर ये साइड्स का रेशियो इक्वल है सो रिमेंबर दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर बाई ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी मैं इनको एड नहीं कर रही हूं रिमेंबर ये क्या हो रहा है कि यहां पर मैं अगर इन सारे रेशियोज इक्वल है तो ये जो ट्राइंगल है ना इनका पेरीमीटर भी इक्वल ही होगा इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं तो लेट से ये साइड टू है ये साइड फोर है ये साइड थ्री है ये साइड सिक्स है ये साइड आपका फोर ले लेते हैं ये साइड एट है तो अगर हम रेशियोज लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ

पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सो दिस इज गाइन दिस इज सिक्स फोर टेन टेन प्लस एट इज एटीन एंड दिस इज ऑल्सो हाफ सो रिमेंबर सी यही नोट में लिखा हुआ है कि पेरीमीटर का जो रेशियो आएगा ना वो इंडिविजुअल साइड के रेशियो के हमेशा इक्वल रहेगा तो बोर्ड में दो या तीन बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनमें आपको साइड्स का रेशियो दिया हुआ है और आपसे पेरीमीटर का रेशियो पूछा है सो नथिंग डिफरेंट राइट इट विल बी सेम क्योंकि हम लीनियरली एड ही तो कर रहे हैं राइट right? तो ये चीज याद रखना कि ऑफ 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 टू टू का रेशियो रेशियो इज इक्वल द द द साइड्स ट्राइंगल ओके आई होप दिस इज इजी टू रिमेंबर नेक्स्ट कभी कभी हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी यूज करना रहता है मतलब देखो बीपीटी क्या था थेल्स थ्योरम क्या था अगर दो साइड्स आपके पैरेलल है

bc तो यहां पर इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो मतलब अगर ये रेशियोज आर इक्वल देन ऑब्वियसली द लाइन विल बी पैरेलल राइट तो ये याद रखना कन्वर्स ऑफ बीपीटी थेल्स थियोरम, अगर पैरेलल दिया है तो रेशियो लिख सकते हैं कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम रेशियो दिया है तो हम लोग पैरेलल लिख सकते हैं सिंपल तो यही है बच्चों पूरे ट्रायंगल्स चैप्टर में आपको दो ही चीज तो पढ़ना है सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी के तीन क्राइटेरिया एंगल 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 साइड 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 एंड जहां पर एंगल्स इक्वल होते हैं एंड साइड्स रेशियो में होते हैं अगर साइड इक्वल हो जाता है तब हम उन्हें कॉन्ग्रुएट ट्रायंगल्स कहते हैं एंड सेकेंड चीज जो हमें पढ़ना है दैट इज थेल्स थ्योरम थेल्स थ्योरम में अगर दो साइड पैरेलल है तो रेशियोज विल बी इक्वल कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अगर तो आपका रेशियोज इक्वल गिवन है तो साइड्स विल बी पैरल जस्ट दिस नेक्स्ट अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ना बच्चों याद रखना पड़ेगा क्यों क्योंकि ये क्वेश्चंस में ये वर्ड्स यूज किए रहते हैं आपने ये सब चीजें जूनियर क्लासेस में सीखी है बट आई एम श्योर की मोस्ट ऑफ यू भूल चुके हैं इन सब चीजों को राइट right? तो फर्स्ट चीज है मीडियन मीडियन का मतलब क्या होता है मीडियन देखो नाम में ही है ये स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में भी आता राइट मीन मीडियन मोड यस तो मीडियन इज लाइक द सेंटर वाला वैल्यू बीच वाला वैल्यू तो मीडियन हम लोग इस ट्राइंगल ए बी सी में ए डी को बोलेंगे अगर ये जो डी वाला पॉइंट है ये पूरे लाइन बी सी के मिड पॉइंट में है मतलब

मीडियन का मतलब एक साइड है उसके मिड पॉइंट पर जो पॉइंट आएगा उसको हम ऊपर वाले या उसके ऑपोजिट वाले वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे दैट्स इट दिस लाइन विल बी नोन एज मीडियन और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा यहां से बस इतना पता चलेगा बी डी इक्वल्स टू डी सी दैट्स इट नाउ लेट्स कम टू ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड इज लाइक द हाइट ऑफ द ट्राइंगल मतलब एक साइड से हमने एक 90 डिग्री खड़ा कर दिया दैट इज गोइंग टू बी दल्टीट्यूड नाउ अगेन ऑल्टीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि बी डी विल बी इक्वल टू डी सी नो नो ओके ऑल्टीट्यूड का मतलब है, angle एक और चीज एक और टर्म यूज होता है काफी बार एंड उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं दैट इज स्केल तो आपने एस टी वगैरह में मैप्स ड्रॉ किएंगे राइट तो मैप्स एक्चुअली होते क्या है? जो रियलिटी में होता है उसे ही हम पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं अगर मान लो रियलिटी में कुछ वन किलोमीटर डिस्टेंस है तो उसे हम वन सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं राइट right? तो दिस इज एक्चुअली स्केल अगर हम लिख दे वन इज टू वन लैख तो इसका मतलब क्या हो गया वन यूनिट ऑन पेपर इज डिनोटिंग सॉरी वन यूनिट ऑन पेपर इज डिनोटिंग वन लैख यूनिट ऑन द एक्चुअल ग्राउंड राइट ऐसे हम बिल्डिंग्स वगैरह के मॉडल भी बनाते हैं राइट right? जो रेशियो सेम होता है तो देखो यहां पर भी बच्चों सिमिलैरिटी का concept लगता है। तो है। तो four, तो तो इसीलिए ये वाला भी इसका मतलब क्या हो? Obviously, actual वाली चीज़ बड़ी होगी तो कितनी बड़ी होगी? वही रेशियो यहाँ पर दिया गया सो वन इज टू फोर का मतलब द एक्चुअल और वॉट एवर इज रिप्रेजेंटेड ऑन द पीस ऑफ पेपर ओके तो स्केल से हम लोग एक्चुअल अगर हमें मॉडल का लेंथ पता है फॉर एग्जाम्पल इफ हाइट ऑफ अ बिल्डिंग ऑन पेपर इज टेन मीटर अगर मैंने एक बिल्डिंग ड्रॉ कर दिया और उसका हाइट पेपर में दिखा दिया टेन मीटर एंड स्केल इज सेम तो एक्चुअली में उसकी हाइट क्या हो जाएगी फोर टाइम्स दैर वॉट एवर इज शोन ऑन द पीस ऑफ पेपर दैट इज टाइम्स फोर विच इज इक्वल टू फोर्टी ओके तो स्केल से भी एक दो क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में आए हैं तो ये टॉपिक भी आप एक बार देख लीजिएगा इट्स नॉट वेरी टफ इट्स जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट राइट इट्स लाइक जीके इंपोर्टेंट चीज सीखा मीडियन जो सेंटर या मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है वो लाइन ऑल्टीट्यूड दैट इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड आर नॉट द सेम ओके रिमेंबर इट कैन बी सेम ओके बट इट्स इन जनरल इट्स नॉट इक्वल एंड स्केल स्केल मतलब जो एक्चुअल में होता है एंड जो आपका मैप या uh, हो सकता है आपके मॉडल में होता है सो so, स्केल से कैसे हमें ओरिजिनल मॉडल वाला length निकालना है ये याद रखिएगा हमेशा ये याद रखना है कि एक्चुअल विल भी बिगर ऑब्वियस सब आते हैं राइट एंड मॉडल लेंथ विल भी स्मॉलर सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ट्राइंगल्स सो आई डोंट थिंक दिस चैप्टर इज वेरी टफ जस्ट इट नीड्स लिटिल मोर प्रैक्टिस एज कम्पेयर टू द अदर चैप्टर क्यों क्योंकि यहाँ पर आपको थियोरिटिकल चीजें ज्यादा है आपको प्रूफ करना है एंड ज्योमेट्री वाली सेक्शन बचो आपको थोड़ी ज्यादा टफ लगती है बट अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना अच्छे से तीन चार बार आप एनसीआरटी के सारी क्वेश्चन बना लो दैट विल बी मोर देन एनफ इसमें आपको आर एस अग्रवाल भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी राइट सो दिस चैप्टर इज इजी इट्स नॉट वेरी टफ